हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्मार्टफोन की जो मोटरोला की तरफ से न्यूली लॉन्च होने वाला है। हाल ही दोस्तों, मोटरोला ने अपने मोटो G82 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाले हैं। एंड सरप्राइजिंग बात यह है कि मोटरोला ने इसके लॉन्चिंग से पहले इसके जो इसकी प्राइस थी वो लीक कर दी गई थी। प्राइस सुनके आप डेफिनेटली शॉक में होने वाले हैं। स्पेसिफिकेशन के आधार पर इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। वीडियो में हम बात करने वाले इसी के ऊपर, डिजाइन के ऊपर, इसकी प्राइस के ऊपर एंड इसके फीचर्स के ऊपर, क्या कुछ आपको इसमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। देखते हैं कि इसकी रियल प्राइस क्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब एंड जरूर से लाइक कर दीजिए। इसके स्पेसिफिकेशन को शॉर्ट में बात करें, स्पेक्स भी काफी शानदार एंड धमाकेदार रहने वाले हैं। जैसे कि आपको 6.6 इंच का POLED पैनल 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले काफी अच्छी रखी, डिजाइन के मामले में कहीं भी कमी नहीं आई। एंड प्रोसेसर की बात कर लें तो स्नैपड्रैगन का 695 का 5G चिपसेट दिया गया है आपको। कैमरे में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 15MP का आपको मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का आपको प्रो लेंस देखने को मिल जाता है, 16MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी बैकअप की बात कर लें तो 5000mAh बैटरी के साथ आपको 30W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। इसमें आपको एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स विद लेटेस्ट UI के साथ देखने को मिलने वाला, काफी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस इतनी ज्यादा आपको 25,000 के अराउंड इसकी प्राइस अभी मोटरोला की तरफ से आपको अनवील कर दी गई है। बेसिकली दोस्तों, जो इसके स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से स्मार्टफोन अंडर 20 के ही आने वाला है। जैसे कि इसके स्पेसिफिकेशन है तो इसके जो स्मार्टफोन की प्राइस डेफिनेटली 90K से 20K रहने, यानी 20,000 के अराउंड रहने वाली है, उसके ऊपर नहीं जाने वाली है। तो मोटरोला इसको 25,000 के अराउंड क्यों अनवील कर रहा है, तो चलिए समझते हैं। बेसिकली दोस्तों, ये है मोटरोला की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मोटरोला की नहीं, काफी Xiaomi एंड OnePlus जैसे काफी स्मार्टफोन कंपनियों की स्ट्रेटेजी है। बेसिकली दोस्तों, होता क्या है, कोई भी स्मार्टफोन है जिसका स्मार्टफोन इसको लॉन्च करना है 15,000 में, एंड उसका जो टीजर निकाल के देते हैं वो 16,000 से 17,000 के अराउंड देख रहे हैं। जैसे कि आपको 16,000-17,000 के अराउंड इनका जो प्राइस बता दिया जाता है। एंड जैसे ये लॉन्च करते हैं, वैसे डेफिनेटली इसमें 17,000-2,000 का ऑफ करके हम लिख देते हैं 16,000 से 17,000 या 18,000 लिख देते हैं, जैसे कि आपको लगता है। जब ये लॉन्च करने वाले इसको 15,000 के अंदर कर देते हैं, यानी लोगों को ऐसा लगता है जो 17,000-18,000 का फोन था वो अभी आपको 15,000 के डिस्काउंट के साथ देखने को मिल रहा है, यानी 3,000 का 2,000 का आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। एंड लोग क्या करते हैं, जल्दी जाके इसको बाय कर लेते हैं। तो ये बेसिकली एक जो स्मार्टफोन कंपनीज की ये मार्केट स्ट्रेटजी है। लेकिन मोटरोला भी लगा रहा है, उसने जो अपना टीजर निकाला है उसमें ये स्मार्टफोन की प्राइस 25,000 के अराउंड रखी है। लेकिन जैसे ये लॉन्च करेंगे डेफिनेटली ये इसको 20,000 के अराउंड लॉन्च कर देंगे। स्मार्टफोन आपको 20,000 के अराउंड ही देखने को मिलेगा। अगर 25K के अराउंड मान लीजिए होता है तो IQOO Neo 6 जैसे स्मार्टफोन, Realme 9 Pro, Mi 11i जैसे आपको बेहतरीन स्मार्टफोन मिल जाते हैं 25,000 के अराउंड, तो आप वो डेफिनेटली उसे देखेंगे ना कि इसे। भी चिंता ना करें, ये 20,000 के अराउंड ही लॉन्च होने वाला है। जैसा कि इसके फ्लिपकार्ट पे टीजर पे दिखाया जा रहा है, तो फ्लिपकार्ट पे 7 जून को लॉन्च होने वाला है। कमेंट में जरूर बताएं कि स्मार्टफोन आपको कैसा लगा एंड जो इसकी प्राइस वो आपको कैसी लगी, क्या इसकी प्राइस रहने वाली थी। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर से कर लीजिए, ताकि आप और ऐसी